भावना मेरी पवित्र है, हनीमून पीरियड होता है। तो अभी चुनाव निपटे हैं तो एक आध दो महीने जाने दो, थोड़ा परिस्थितियों को संभलने दो, फिर हम भी है और आप भी है, परिवार है। जीतू पटवारी इंदौर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर हनीमून वाला बयान दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि अभी तो चुनाव हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो अभी हनीमून पीरियड है और जल्द वो सबसे मिलेंगे। एक महीना 22 दिन में कई लोगों के दिमाग तड़प रहे थे, अरे भैया क्या होगा, भैया आ ही नहीं रहे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये वो फलाना ढेमका, क्यों संजय ऐसा हो रहा था, गया क्या संजय कामले जी? हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये महसूस भी होना जरूरी है। एक किसी भी रूप में भावना मेरी पवित्र है, हनीमून पीरियड होता है। तो अभी चुनाव निपटे हैं तो एक आध दो महीने जाने दो, थोड़ा परिस्थितियों को संभलने दो, फिर हम भी है और आप भी है, परिवार है। राव विधानसभा मेरा परिवार था, है और रहेगा, कोई बीच में जगह नहीं है। चुनाव जीता है तो उनके सर माथे पे, और हरा भी देंगे तो भी उन परिवार के सदस्यों के साथ, जब तक मेरी सांसें चलेगी मेरा मन जुड़ा रहेगा। हालांकि जीतू पटवारी के हनीमून वाले बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने जीतू पटवारी के भाषण को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि हनीमून पीरियड, चुनाव हारने के बाद भी हनीमून पीरियड होता है क्या, पहली बार सुना है। खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी स्वीकार रहे हैं कि वो चुनाव हारने के एक महीने 22 दिन बाद आज पहली बार अपनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं से मिलने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आए हैं। जब इनकी ये स्थिति है तो बाकियों की क्या होगी, समझा जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जुट जाने के लिए भी कहा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।